So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the section 5.2 which is titled as actual breach of contract. So pehle wali video mein humne anticipatory breach of contract ka matlab samjha tha. In this video we'll be understanding the meaning of actual breach of contract. In contrast to anticipatory breach, it is a case of refusal to perform the promise on the scheduled date. The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises, but when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. In that case, the other party to the contract obtains a right of action against the one who has refused to perform his promise. ठीक है, हमने एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझा था कि जब हम डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही मना कर देते हैं अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच है, और जब हम स्केड्यूल्ड डेट पर मना करते हैं तो वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है. ठीक है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम एंटिसिपेटरी इसलिए बोलते हैं कि या तो आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में जो आपके पास हैं, या तो आप नहीं कर सकते. सो दैट इज टर्म्ड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट जब आप डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाले दिन पे ही आप मना करते हैं तो वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है. आप उसमें फिर कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकते. ठीक है, आपके पास फर्दर डेज प्रोवाइडेड नहीं होते कि आप अपनी गलती को एंटिसिपेट कर सको. ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्केड्यूल्ड डेट से पहले आप मना करेंगे एंटिसिपेटरी, स्केड्यूल्ड डेट पर आप मना करेंगे दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब एक्चुअल या एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी पार्टी जिसको आपने नुकसान पहुंचाया है, जिसको आपने मना करा है ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से, उसके पास ये राइट होता है कि वो आपको डैमेजेस के लिए स्यू कर सके. ठीक है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड एट द टाइम वेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू. जब हमारी परफॉर्मेंस ड्यू हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो तब हमारी एक्चुअल ब्रीच होती है. A agrees to deliver 100 bags of sugar to B on 1st February 2022. A ने B के साथ agree करा कि वो 1st February को 100 bags of sugar उसको deliver करेगा. On the said day, ना उस दिन वो 100 bags of sugar B को deliver नहीं कर पाया. तो ये actual breach of contract हो गई. This breach has been committed by A. ये breach A ने करी है जब परफॉर्मेंस हमारी ड्यू हो गई है. तो राइट किसको मिलेगा? राइट बी को मिलेगा कि वो ए के ऊपर सूट डाले फॉर द डैमेजेस. नाउ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट के दिन ही मना कर दें, या आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं और बीच में आप मना कर दें. वो कैसे होता है वो देखते हैं. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो अकर्स वेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर इट बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्ट. मान लेते हैं कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं आपके घर पर पेंट करूंगी, और आपके घर में चार कमरे हैं. ठीक है, मैंने आपके घर में दो कमरों में पेंट कर दिया, और अब मैं मना कर रही हूँ कि बाकी के दो कमरों में मैं पेंट नहीं करूंगी फॉर सो एंड सो रीजन. तो ये भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, मैं अपनी परफॉर्मेंस कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बट मैंने बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस छोड़ दी है. सो दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अब आपके पास क्या रेमेडीज होंगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? सो द रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी आर कि आप डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू डाल सकते हैं कि जो काम तुमने कहा था तुम वही काम करोगे, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप सूट कर सकते हैं. सूट फॉर इंजंक्शन कर सकते हैं. इंजंक्शन यानी कि आप किसी काम को करने से आप उसको रोक सकते हैं, या फिर क्वांटम मेरिट जितना आपने काम करा है उतने काम के लिए पेमेंट लेके आप उसको सूट कर सकते हैं. सो दैट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.